संसद भवन की सुरक्षा को लेकर के एक बकायदा मॉक ड्रिल किया है और इस मॉक ड्रिल में हेलीकॉप्टर और एनएसजी कमांडो भी शामिल थे और साथ ही एयर सर्वे भी किया गया। और ये वीडियो आप भी देखेंगे तो आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। एनएसजी कमांडोज को यहाँ हेलीकॉप्टर से संसद की छत पर उतरते हुए देखा गया। साथ ही मॉक ड्रिल में उन्होंने और क्या क्या किया, देखिए रिपोर्ट में। संसद भवन के सामने हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल की गई। इस ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस की पार्लियामेंट थाना पुलिस, कर्तव्य पथ थाना पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अंतर्गत तैनात स्पेशल स्वाद कमांडोज, अर्धसैनिक बल और एनएसजी कमांडो शामिल हुए। मॉक ड्रिल का जो वीडियो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि एनएसजी के कमांडो पार्लियामेंट की छत पर हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे तेजी से उतरते हैं और निशाना साधते हैं। एनएसजी कमांडोज को उतार कर हेलीकॉप्टर वापस रवाना हो जाता है। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस और एनएसजी की टीम सड़क पर गाड़ियों से संसद भवन के पास पहुंचती है और नई संसद भवन की बिल्डिंग को पूरी तरह से घेर कर जांच पड़ताल शुरू करती है। आप देखिए दिल्ली पुलिस के जो ये स्वाट कमांडोज हैं, ये आपको नजर आएंगे और यहाँ से वो अब अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर अब जो है वो प्रिपरेशन करेंगे आगे प्लानिंग की। ये देखिए ये महिला स्वाट कमांडोज भी आपको नजर आएंगी जिनके साथ एक बैग भी है। यहाँ देखिए एक ये साथ में जो है बॉक्स भी लेके चल रही हैं जिनके अंदर एक्सप्लोजिव्स और जो आर्म्स के एम्यूनिशंस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये स्वाट कमांडोज अभी आपको ग्रुप करके नजर आएंगे और इसके साथ ही जो है अब यहाँ से वो मार्च करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। देखिए यहाँ पर अब जो स्वाट कमांडोज की टीम है वो आपको नजर आएगी वो किस तरीके से यहाँ से दाखिल होंगे अंदर और जो प्रॉपर एक प्लानिंग है कि कहाँ पर ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर कैसे जो है वो चीजें जो है वो बनी थी, कितने आतंकवादी हैं, इन सभी बातों को देखिए यहाँ पर ब्रीफ किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की टीम की तरफ से और उसके बाद ही यहाँ पर जो स्वाट कमांडोज के जो टीम है वो आप आगे की जो कार्रवाई है वो करते हुए नजर आएंगे। संसद के सामने हुए ब्लास्ट से पहले संसद की सुरक्षा को लेकर एक और घटना हुई थी। 13 दिसंबर 2023 में जब देश संसद हमले की बरसी मना रहा था तब दो लोग सदन के भीतर घुस गए थे और स्मोक का इस्तेमाल किया था। इससे सदन के भीतर धुआं फैल गया था जिसके बाद संसद की कड़ी सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं।